तो आज हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। कौन सा दिन है आज? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ? हाँ, भगवान पहले क्या, आज गैया चराने गए हैं। आज ही दिन उनको परमिशन मिली है कि आप अभी जा सकते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया से परमिशन मिली। पहले हमारे ठाकुर जी कृष्ण क्या करते थे, वो बछड़ा होता है ना, छोटा बछड़ा, उसको उसके साथ खेलते थे, उसको चराते थे। बट ये आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे इस्कॉन सोसाइटी में, इस्कॉन में, क्योंकि उससे प्रभुपाद जी का जो मिशन है उस फुलफिल होता है कि काव का क्या मतलब है, हम ये काव को सेक्रेट क्यों मानते हैं, पवित्र क्यों मानते हैं। तो हमने ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, खाली पॉजिटिव थिंग्स हमने दिखाई है इसमें। पॉजिटिव थिंग का क्या मतलब है कि नेगेटिव बहुत हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए काव का कैसे ट्रीटमेंट होती है हमारे पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसको कैसे मारा जाता है, वो हमने नहीं दिखाया है। वो आप देखेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, आपको एक महीने तक नींद नहीं आएगी, एक महीने तक नींद नहीं आएगी। रात को ये वही सीन आएंगे आपके दिमाग में कि ऐसे हमारी गैया को माता है, उसको ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है वर्ल्ड में, इवन इंडिया में भी। आपको मालूम है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर प्रोडक्ट। लेदर मालूम है, चमड़े का सबसे, चमड़े से जो भी जो चीज बनती है, बहुत ही दुख की बात है कि जो हम हमारे इंडिया में गाय को हम माता मानते हैं, वही देश वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ चमड़े का प्रोडक्ट। तो चमड़े का जनरली किससे बनता है, बफेलो, काव वगैरह से, उससे बनता है चमड़े का प्रोडक्ट। तो एनीवे, वो तो हम नेगेटिव हम बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कई, क्या काव का क्या महत्व है, क्या है। तो व्हाई वी काव कंसीडर एज ए सेक्रेट, आपको किसको मालूम है कि हमारे शास्त्र में सात लोग को माता माना है। कितने लोग को? पांच और दो सात। कितने लोग को? सात लोग को। किसको मालूम है कौन कौन है? यस, प्रभु जी को मालूम है। अच्छा, दो थोड़ी और चेयर अरेंज कर सकते हैं माताओं के लिए कि आप माता जी आप यहां आ जाइए। हाँ, वैष्णवीज एंड
तो सेवन मदर्स, सात माताएं लिस्टेड लिस्ट है, प्रभुपाद जी उनका बहुत ही जिक्र करते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में प्रभुपाद जी ने उसका जिक्र किया है। तो प्रभु जी आप बता रहे थे कौन से सेवन मदर्स कौन कौन है। हाँ, गाय माता है, सबसे पहले गाय माता है। गाय को हम जानवर नहीं मानते हैं, हम उनको क्या मानते हैं, माता मानते हैं। दूसरा, हाँ, अपनी बायोलॉजिकल मदर जिससे हमने जन्म लिया है, धरती माता है, मदर अर्थ। वेरी वेरी गुड, ओके। हाँ हाँ, जो किंग होता है उनकी वाइफ, उनको भी हम माता मानते हैं। और ये उसका वर्ष है, ये देखो। हाँ, आत्मा माता गुरु पत्नी, आत्मा माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राज पत्नी का धेनुर धात्री तथा पृथ्वी सप्तिता मत्रह स्मृतः। तो ये सेवन माता में कौन कौन है, ये आत्मा माता, हमारी खुद की माता। दूसरा, गुरु पत्नी, जो गुरु है उसकी जो पत्नी है, गुरु किसके हो तो उसकी पत्नी, उसको भी माता हम मानेंगे। ब्राह्मणी राज, ब्राह्मण जो है उनकी जो पत्नी है, जो भी ब्राह्मण है उनकी पत्नी है, उसको भी माता मानना चाहिए। राजपत्नी, किंग की वाइफ, धेनुर, धेनुर मींस काउ, धात्री, जो धात्री जो नर्स करती है, दूध पिलाती है बच्चे को, उसको भी माता मानना चाहिए। और पृथ्वी, ये सेवन मदर्स है। तो आज हम हमारे भारत माता में, भारत भूमि में कितनी गायें, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गाय हैं, उसका हम वर्णन करेंगे। सब लोग देख सकते हैं ये, हाँ, एवरीबडी सुन सकते हैं, ठीक है, आवाज ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउज इन इंडिया। ये क्या हुआ कि वाराणसी में दो साल पहले, वाराणसी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, तो हम वो टाइम पे इंडिया में ही थे। तो फेस्टिवल किसका, ये काउ फेस्टिवल, तो पूरे हिंदुस्तान की डिफरेंट डिफरेंट काउस वहाँ पर आई थी। हमने फ्लाई करके हमने जैसा देखा, क्योंकि हमारा ये बहुत ही सब्जेक्ट, हमारा बहुत ही चहिता सब्जेक्ट है, तो हमने फ्लाई करके वहाँ पर वो फंक्शन में अटेंड किया। तो वहाँ पर हमने पिक्चर ले लिया सब, उन्होंने सब डिफरेंट डिफरेंट काउस कहाँ कहाँ से आई है, कहाँ कहाँ की है। तो ये अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट, मैं, हम खाली पॉजिटिव चीज ही दिखाते हैं इसमें, कोई नेगेटिव हम नहीं बोलते हैं इसमें। बट सो मेनी नेगेटिव्स इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ये गंगा तीरी काउ, ये नेटिव कहाँ की है, गंगा रिवर, उत्तर प्रदेश में जो गंगा रिवर है ना, हाँ, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, ये नॉर्थ इंडिया की काउ है। तो इसमें लिखा है, नीचे लिखा है, गंगा तीरी गाय का सत्कार मोक्ष का द्वार। देखो एक एक शब्द देखो आप, गाय का सत्कार मोक्ष का द्वार। ये देवनी गाय है, ये नेटिव ब्रीड ऑफ इंडिया है, लातूर डिस्ट्रिक्ट, हमने है ना लातूर डिस्ट्रिक्ट को अंडरलाइन किया है, ये आप याद रखना क्यों हमने लातूर डिस्ट्रिक्ट को अंडरलाइन किया है, थोड़े टाइम के बाद में हम उसके लिए भी चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है, ये नित्य जो करे गाय का दर्शन, सुनिए ये सब शास्त्र में है, लिखा है, नित्य करे जो करे गाय का दर्शन, नीचे नहीं होगा उसका गर्दन, तो कभी भी वो मायूस नहीं होगा। ये कृष्णा काव है, ये कहां से है, ये कैटल ब्रीड है, जो रिवर कृष्णा है पोर्शन ऑफ बॉम्बे और सदर्न पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉट उत्तर प्रदेश बट आंध्र प्रदेश, यस करेक्ट, आंध्र प्रदेश। काम धेनु का मान बढ़ेगा, लोगों का धन धान्य बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काय की हम प्रोटेक्शन करेंगे तो हमारी आपको मालूम है कि जो
जमीन से जो जो भी फसल पैदा होती है उसको हम काउडंक, काउडंक को क्या बोलते हैं, गोबर, गोबर से हम उनको नहीं उसमें डालेंगे तो 8 या 10 बरस में ये जो जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी, उसमें से कुछ पैदा नहीं होगा। ये बहुत ही सीरियस, हमने इतना इसमें रिसर्च किया है, हमने ये इसमें जो मेरे पास पूरा एक उसका कॉपी है कि ये काउडंग का क्या महत्व है। हम नहीं करेंगे इसको तो क्या होगा, बंजर होती जाएगी जमीन, और क्या होगा, जमीन से ही सब फसल पैदा होती है, राइट? कोई फैक्ट्री में पैदा होती है, कोई एक छोटा भी गेहूं का दाना बना सकता है फैक्ट्री में, तो ये सब बंजर होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। काउ को हम काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, काउ डंग गोबर मिलता नहीं होगा, मिलेगा नहीं तो क्या होगा, बंजर बंजर बंजर, धीरे धीरे पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, खाने का कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु और माता जी, ये मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूं, सच बात कर रहा हूं, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। हम काय तो तभी कृष्ण क्यों, कृष्ण वॉज इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही नोज के इंपॉर्टेंस। आप कोई भी पिक्चर देखे कृष्ण के, उसमें काव होंगी और उसकी बांसुरी होगी। एनीवे, हमारा बहुत दिल जलता है कि ये हो रहा है वर्ल्ड में, दुख हो रहा है, बट चलिए, लोगों का धन धान्य बढ़ेगा। और हम उज्जैन में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये कैसे हम काव को, हमारे अभी तो उज्जैन में गौशाला है, बहुत अच्छी गौशाला है, तो उसमें कैसे हम रिट्रीव करें काव को, हम वापस लावे जो स्लॉटर हाउस में जा रही है, कत्ल खाने में जा रही है, उसको कैसे बचाए। दूध देती है या नहीं देती है डजंट मैटर, काव हमारी माता है, उसका उसको स्लॉटर हाउस में नहीं भेजना। थार पारकर काव, ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान, पाकिस्तान और थोड़े बहुत राजस्थान उसमें ये, और ये डेजर्ट काव है, थार डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट, थार रण, हाँ रेगिस्तान, तो ये वहाँ की ये हैबिटेंट है, वहाँ के रहने वाली है, और खाती कम है और पानी कम पीती है क्योंकि रेगिस्तान में पानी बहुत मिलता है, बट दूध देती रहती है। ये हमारी माता है, लोगों का कल्याण के लिए वो दूध देती रहती है। उसका कहे गाय को जो देगा चारा कभी नहीं होगा बेचारा। ये हरियाणा काव है, हरियाणा तो आपको मालूम है नॉर्थ इंडिया की है, 2 miles per hour, ये क्या है 1 ton लोड खींचती है। देखो काव माता है कितना काम करती है, कोई बोल कुछ बोलती नहीं है, हाँ कुछ मांगती है क्या, थोड़ा घास खाती है, थोड़ा पानी पीती है और दूध देती रहती है हमारे लिए, और टन वो खींचती भी है लोड, टन दो, 1 ton लोड 2 miles per hour और कवर 20 माइल तक वो पर डे खींच सकती है। ये हरियाणा काव। गांधी जी ने बताया कि ये 30 different cows है, हमने थोड़े पिक्चर लिए, सब हम नहीं दिखा सकेंगे। सो गांधी जी ने क्या कहा मालूम है, द काव इज अ सिंबल ऑफ अर्थ, काव इज अ सिंबल ऑफ अर्थ, शी इज द वन ऑफ द 7 मदर्स, जैसे हमने आपको बताया, काव रिप्रेजेंट लाइफ एंड सपोर्ट ऑफ लाइफ। वो काव क्या है, हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है और सपोर्ट है हमारा। इस काव इज सो जनरस, टेकिंग नथिंग बट वाटर ग्रास एंड ग्रेन, क्या खाती है, ग्रेन खाती है, घास खाती है, थोड़ा वाटर पीती है। द काव इज द वाइटल फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोग जरूरमंद है। काव इज द सिंबल ऑफ ग्रेस एंड एबंडेंस, बहुत एबंडेंस है। Respecting the cow in Hinduism is the virtue of gentleness and connectedness with Mother Nature. Cow ko kya karna hai hamein? Respect. So, ye Mahatma Gandhi ji ne bataya hai. Ye hai Devani cow Latur ke Krishna cow.
थार पारकर काव, हरियाणा काव, ये राठी काव। ये राठी काव क्या है, इस राजस्थान में, ये भी एक राजस्थान की एक काव है। गाय हमारी जान है, सब लोग बोलिए, गाय हमारी जान है। धर्म की पहचान है, धर्म की पहचान है। क्यों धर्म की क्यों पहचान है? क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण धर्म है, भगवान है, वो धर्म है। तो जो भी कृष्ण ने किया वो भी धर्म हो गया। उसने क्या कहा, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। असीम कृष्ण प्रभु, लीलावती माता जी, असीम कृष्ण प्रभु, असीम लीलावती माता जी, लीलावती माता भैया। सो वो मुझे लगा ढूंढती रहती होगी। तो ये राजस्थान की है, गाय हमारी जान है, बोलिए, धर्म की पहचान है, धर्म की पहचान है। द काव इज अवर हार्ट एंड सोल, वो हमारी वेचूर काव। ये वेचूर जय वेचूर काव, ये केरला की काव है, केरला। स्मॉलेस्ट, छोटी में उसका कद है ना, बहुत छोटा है। अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है, वैल्यू ऑफ द लार्ज, छोटी काव है बट मिल्क बहुत देती है। प्रोड्यूस इज रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ फूड इट रिक्वायर्ड, खाती कम है दूध ज्यादा देती है। ये हमारी माता है, गौ माता। गौ माता का यह अपमान, बोलिए, गौ माता का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कैसा अपमान हो रहा है, वेरी गुड। किसने बोला स्लॉटर हाउस, यस माता जी, एब्सोल्युटली राइट। तो गौ माता का वो क्या, सब लोग हमारे, हमें याद है, हम छोटे थे तो हमारी मैया क्या करती थी मालूम है आपको? सबसे पहले खाने के पहले वो गौ माता के लिए एक रोटी अलग रखती थी, रोटी चावल और गुड़, गुड़ होता है ना, तो वो अलग रख के बाद में वो ग्रहण करते और बाद में हमें सब लोग को परोसती थी। बहुत लोग क्या करते हैं कि यू नो बर्ड्स होते हैं ना, कौवा वगैरह, उसके लिए भी एक अलग वो भोजन रखते हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है बहुत ही साइंटिफिक है। क्यों गौ माता को क्यों हमें रक्षा करनी चाहिए, वो लोग जानते थे, ऋषि मुनियों सब जानते थे, गौ माता की रक्षा नहीं करेंगे तो काव डंक नहीं मिलेगा, काव यूरिन नहीं मिलेगा। तो मोस्ट एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट काव डंक और काव यूरिन, उसकी बात भी हम करेंगे। तो गौ माता का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कांकरेज काव है, कांकरेज, ये पालनपुर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और वहां पर से ये आई है। गौ माता की हत्या, गौ की हत्या, बोलिए, गौ की हत्या पाप है, पाप है, पाप है, पाप है। ये नगोरी काव एंड बुल, एक कैटल ब्रीड फ्रॉम राजस्थान है, ये ड्राउट है, रेगिस्तान की ये ब्रीड है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी उसका उपयोग हो रहा है। इट्स नोन एज द ओरिजिनल नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, नगौर, नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये क्या है, सनातन धर्म की यही पहचान, सनातन धर्म की यही पहचान। गौ माता का करिए दान, गौ माता का करिए दान। दान करने का क्या मतलब है, आप एडॉप्ट करो गाँव, एडॉप्ट करो और गाँव गाँव को बचाओ, कई गैया को बचाओ, गाय को बचाओ, दैट्स व्हाट इट मींस। तो वहां से क्या होगा, ये सनातन धर्म होगा हमारा। आपको आनंद आ रहा है देख, सुनने में, देखने में, यस yes? दोनों सुहार से हरी बोल बोलिए, दोनों हाथ उठा के, हरी बोल, हरी बोल। अरे जोर से भी बोल सकते हैं, हरी बोल। ये गाँव कहिया गाय के लिए आप ये हरी बोल बोला है आपने, अच्छा, वेरी गुड। निमारी काव, ये निमारी काव एक गीर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, किल्लरी कैटल ब्रीड, ये याद रखना, ये गीर काव और किल्लरी कैटल ब्रीड फाउंड इन महाराष्ट्र और गुजरात में भी, निमार रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है, भारत की शान गौ माता महान,
ये हमारे हिंदुस्तान की शान है, गौरव है, गरिमा है। तो ये गीर और जाफरावादी काव, तो क्या है, 2-3 बरस पहले हम ब्राजील में प्रचार करने के गए थे। ब्राजील, ब्राजील बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं? हम लोग ब्राजील बोलते हैं, थोड़े अमेरिका में थोड़ा वो वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोलते हैं। तो ब्राजील में हम गए थे, तो वहाँ पर हम हाईवे से पसार हो रहे थे, तो दोनों साइड में हमने ये अपनी गीर काव, हमारी देशी काव, हम बोलेंगे उसका क्या, देशी काव हमने देखी। तो हमने सोचा कि ब्राजील में हमारी ये काव बहुत फेमिलियर लगती है, बहुत ही पहचान वाली लगती है, यहाँ पर क्या क्या आ गई, कैसे आ गई। तो हमने रिसर्च किया उसके लिए, तो हमें, हाँ ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या हुआ कि हम पसार हो रहे थे, तो दोनों साइड पे ये हमारी देसी काव देखी, तो हमने कहा कि भाई ये देसी काव यहाँ से क्या, कहाँ से आ गई। तो हमने रिसर्च किया उसके लिए, तो ये रिसर्च में हमें ये पता चला कि 1865 में किंग ऑफ भावनगर, गुजरात में भावनगर मालूम है आपको, हमारा वहां पर इस्कॉन का भी टेंपल है भावनगर में, तो उन्होंने ये ब्राजील को गीर काव दी। कैसे दी वो भी हम बताएंगे, उसको सगवादी, एक सगवादी करके कैटल फार्म था भावनगर में, जो महाराजा, उसके महाराजा उनको चला रहे थे, उसको नाम है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ऑफ भावनगर, वो उसको कैटल फार्म, गौशाला बोलते हैं ना हम लोग, हाँ वो उसके पास बहुत सारी गीर काव थी। तो ये मोस्ट यूनिक कैटल फार्म इन इंडिया, बिकॉज उनका जो ब्लड लाइन था ना, जो कैटल का, वो यहाँ पर मेंटेन हो रहा था। अभी आप सुनिए, उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बट हम, हमारा दिमाग से उसका हम रिसर्च करते हैं कि कृष्ण ने, कृष्ण को क्या पसंद था, काउ बहुत पसंद, हाँ गाय बहुत पसंद थी। तो कृष्ण बाद में कहाँ चले गए, मथुरा छोड़ के कहाँ गए, हाँ द्वारका, द्वारका गए। तो ये जो जो प्रोविंस है ना, ये द्वारका का प्रोविंस में आता है। तो ये हम ऐसा सोचते हैं कि जो कृष्ण ने, जो कृष्ण की जो काव थी, वो यहाँ पर कृष्ण भी लेके आए, क्योंकि कृष्ण भी दूध तो पीते ही होंगे ना, हा? तो उन्होंने ये जो स्पेशल काव थी, जो नंद बाबा और यशोदा माई ने, कितनी काव थी, कितनी गाय थी, गैया कितनी थी, 9 लैक्स। आज सुबह में हमने बताया कृष्ण भी 108 जप करते हैं, कैसे जप करते हैं वो अभी तो नहीं बताएंगे, टाइम नहीं है, बहुत इसमें कवर करना है। एनीवे, तो ये महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी वो भावनगर ने ये पूरी फार्म, उसमें सगवादी फार्म थी, उसमें उन्होंने ये कैटल किसको दिया, 1865 में ये ब्राजील को दिया। ब्राजील का भी एक कैटल फार्म था, उसका भी एक गौशाला थी, उसका नाम था, उसका नाम था है जेबू कैटल इंपोर्ट्स, वो इंपोर्ट करते थे जेबू कैटल इंपोर्ट। उन्होंने गीर काव वहां से 1865 से गीर काव ली, और एक कृष्ण बुल, कृष्णा बोलिए सब लोग, कृष्णा बुल भी उन्होंने प्रोजनी को क्या बोलते हैं, वंश आगे बढ़ाता है ना, तो उसके लिए बुल भी, एक बैल भी उसके पास से लिया, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये गौशाला, उसमें प्योरिटी एंड द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इतना अच्छा था, तो ये बहुत इंप्रेस हो गए ब्राजीलियंस, तो उन्होंने ये इंपोर्ट की। तो आज क्या है, ये दोनों का फोटो है, ये महाराजा ऑफ भावनगर एंड मिस्टर सेल्सियो सीड ऑफ ब्राजील, सेल्सियो गार्सिया सीड। फॉर फ्यूचर प्रोजेनी, हाँ, तो ब्राजील ने 1890 और 1960 में बहुत सारी काव इंपोर्ट की, प्रभु और माता जी यू नो, ये वहां पर आज के तारीख में 50 लाख काव है, गिर काव, जो अच्छा में अच्छा मिल्क देती है। और हमारे इंडिया में वो वही रीजन में, गिर में खाली 5 लाख काव है, सारे इंडिया में चली गई अलग अलग वो, बट वो जो रीजन से ये गिर काव आई है वो खाली 5 लाख की है। 12 to 25 लीटर
मिल्क पर डे कितनी, वो गाय है ये जो गिर काव है, कितनी 12 से 25 लीटर मिल्क पर डे वो प्रोड्यूस करती है। बेनिफिट ऑफ काउस, काव के क्या क्या बेनिफिट्स है, किसको जानना है, सब लोग को जानना है, तो दोनों हाथ उठा के क्या बोलना चाहिए, हरि बोल, सब लोग साथ में 1 2 3 वेरी गुड। दीज आर 5 आइटम्स आर कॉल्ड पंचगव्यस। पंचगव्य हम कहते हैं ना, क्या क्या आता है काउ से, काउ से कौन 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 बोलेगा ये देखने के विदाउट लुकिंग एट इट, हाँ काउ यूरिन एक है, दूसरा काउ डंग गोबर बराबर है, तीसरा काउ मिल्क वेरी गुड, फोर्थ घी, उससे मिल्क से क्या होता है घी आता है और गौमूत्र आता है और कर्ड कर्ड बनता है, सब उसमें से ही बनता है राइट। तो ये से 5 चीज इसमें से हमें मिलती है। तो ये काउ डंग और यूरिन का क्या महत्व है वो हम बताएंगे आपको, वो उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, कोई मच्छर उससे नहीं आएगा काउ डंग। आप हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, अभी तो नहीं है, उनका नाम है इंद्रदास, वो वृंदावन में थे, वृंदावन में अमेरिकन डिवोटी थे, तो वो अपना घर में पूरा गोबर, वॉल के ऊपर गोबर, जमीन के ऊपर गोबर को पूरा लेप लगा दिया था, तो उसमें ही रहते थे, उसकी भजन कुटीर वही थी और बहुत अच्छा वो गाते थे। आप बहुत लोग जो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं उसको पता होगा इंद्रदास। तो ये काउ डंक यू नो दे हैव अ हेल्प टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये काउ डंक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया एक काउ डंक नहीं होगा जमीन में नहीं जाएगा, सॉइल में नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, बंजर हो जाएगी हमारी जमीन, बंजर हो जाएगी तो खाना क्या खाएंगे बताइए, हाँ हाँ एक दूसरे को काटने शुरू होगा, ये होगा, ये कलयुग का ये प्रोग्रेस है, क्योंकि हम काउ यो काउ को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये होगा ही। ये काउ डंग क्या है, इज ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, हाँ बाहर गर्मी होती है तो ये काउ का गोबर का है तो अंदर ठंडी लगेगी, बाहर ठंडी होगी तो अंदर गर्म गर्म लगेगा, ये उसका ये स्पेशलिटी है। और ये हम क्या उसको कहते हैं, उसको पकाने में भी काम लगता है काउ का गोबर, तो उसको बनाते हैं ना, हाँ राइट। काउ डंग कैन बी यूज फॉर फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर बेस्ट फर्टिलाइजर, ये यूरिया फूरिया नहीं। अच्छा प्रभु जी इसमें ऑडियो है, ऑडियो आएगा, ऑडियो का कैपेबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास ऑडियो का भी इसमें आएगा, मैं भूल गया कहने का, स्पीकर है, ये स्पीकर है नहीं, इसे 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 लगाएंगे हाँ। अच्छा चलो देखते हैं, बायोगैस, ये बायोगैस जो काउ डंग से बायोगैस होता है तो उसमें कुकिंग भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है, स्मोक बर्निंग काउ डंग कीप्स फ्लाइज एंड एग्स ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंट्स। काउ यूरिन डिस्ट्रॉय द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ मेडिसिन रेसिड्यू, देखो ये कोको कोला बंद करो और काउ यूरिन पियो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, काउ यूरिन से क्या होता है, काउ यूरिन से क्या होता है, वो मोड ऑफ गुडनेस में सात्विक भाव है उसमें। गंगा रिसाइड्स इन काउ यूरिन, गंगा रिसाइड्स इन काउ यूरिन, गंगा इज डिस्ट्रॉयर ऑफ सिन, गंगा में एक डुबकी मारेंगे तो क्या होगा, पाप सब धुलेंगे हाँ, तो ये गंगा रिसाइड्स इन काउ यूरिन और वो पाप धुलेंगे ये इफ यू ड्रिंक दिस काउ यूरिन। वो काउ यूरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो अभी वृंदावन में आप जाएंगे तो पूरा काउ यूरिन काउ काउ प्रोडक्ट सब मिलेगा, काउ सॉप भी आता है, काउ डंग जो गोबर का भी सॉप आता है। ये क्या कहते हैं, बाय रेगुलरली टेकिंग काउ यूरिन बिफोर सिकनेस, ये इम्यूनिटी, शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है और वो डिसीज को रोकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो गए डिसीज अपने शरीर में तो उसको रोकती है। सर्व रोगा ही मंदाग्नौ, शास्त्र में कहते हैं ऑल डिसीज बिगिन विद द मंदाग्नि, लो फायर डाइजेस्टिव सिस्टम,
तो ये काव यूरिन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को उज्ज्वलित प्रज्वलित करती हैं। ए फायर स्ट्रॉन्ग डिजीज वोंट अकर, काव यूरिन कीप द फायर स्ट्रॉन्ग। काव मिल्क, इंडियन काव, देखो ये येलो मिल्क, हमने ये इसका येलो में लिखा है, क्यों इसका कारण है ये आपको बताएंगे अभी। इट कंटेन्स मैनी ग्रेट प्रॉपर्टीज टू हेल्प मेंटेन हेल्थ, ये देसी काव की बात कर रहा हूँ मैं, गिर काव, देसी काव, जो भी ये जो भी हमने अभी आपको गाय का पूरा लिस्ट दिया ना, वो गाय की बात कर रहे हैं। होलिस्टीन फ्यूजन काव वाइट मिल्क, होलिस्टीन फ्यूजन काव जो जर्सी काव होती है ना, उसका मिल्क कैसा होता है, वाइट होता है। नॉट वेरी हेल्दी, यूजुअली गिवन बाय हॉर्मोन्स, वो ठोकते रहते हैं हॉर्मोन्स, हाँ कितने केमिकल्स उसमें जाता है काव में मालूम है, क्यों हॉर्मोन क्यों डालते हैं काव में, हाँ प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट मिल्क प्रोडक्ट यू नो विल बी हाई, दैट्स व्हाई दे गिव द हॉर्मोन्स। तो यू नो हम जो दूध पीते हैं हॉर्मोन वाला, तो क्या पीते हैं, वी आर नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, रियल मिल्क, वी आर ड्रिंकिंग केमिकल्स विच इज हार्मफुल टू योर बॉडी, ये पूरा साइंटिफिकली रिसर्च हुआ है। व्हाई डू इंडियन काउज प्रोड्यूस येलो मिल्क, किसको मालूम है व्हाई हमारी इंडियन काउज प्रोड्यूस येलो मिल्क, वेरी गुड, ये प्रभु जी बहुत ही इंटेलिजेंट है, हरी बोल बोलिए उनके लिए, वेरी गुड। देखो अभी हम आपको डिफरेंस दिखाएंगे। द हॉर्न ऑफ द काउस वर्क लाइक एन एंटेना एंड द हम्प है ना, उसके ऊपर ये हमारी जो देसी गाय है ना उसके ऊपर एक हम्प होता है, हम्प को क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ उबड़ होता है, हाँ ये वर्क लाइक ए पावर स्टेशन। क्या होता है कि जब सूर्य का किरण निकल पड़ता है वो हम्प के ऊपर, उसमें है ना एक वेन है, नाड़ी है, उसका नाम है सूर्य केतु नाड़ी। तो सूर्य केतु नाड़ी और वो सूर्य जब भी उसके पड़ता है तो 24 कैरेट गोल्ड, प्रभु एंड माता जी 24 कैरेट गोल्ड उसमें से प्रोड्यूस होता है। तो वो नाड़ी से वो मिल्क में जाता है और यूरिन में जाता है, तो नाड़ी से, तो उसके लिए हमारी देशी काव है जिसमें हम्प है, उबड़ है, वो ही ओनली वो ही ये प्रोड्यूस येलो मिल्क कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। मिल्क जर्सी काव का लेवल आप देखेंगे उसमें हम्प नहीं, हम दिखाएंगे आपको अभी। व्हेन द सन रिफ्लेक्ट इन द रेज ऑफ हम्प, सूर्य केतु नाड़ी वेन प्रोड्यूस द गोल्ड सॉल्ट इन द ब्लड, गोल्ड 24 कैरेट सॉल्ट, this gold salts the pass down to the cow's urine and cow's milk and giving the, that's why हम देशी काव की जो हम बनाएंगे तो ये घी होगा वो येलो होगा, कैसा होगा ये येलो होगा। सो ये काव मिल्क का कितना, घी का कितना इंपॉर्टेंट, अभी काव घी की बात कर रहा हूँ, हाँ मिल्क की बात हो गई, घी की, उसमें जो काव डंक है जो प्रोड्यूस होता है काव से, तो उसमें The ghee is a rich, healthy, fat-soluble vitamin such as vitamin A, D, E and K. Ghee mein. Kaun sa ghee mein? Deshi ghee mein. Very good. Deshi ghee mein. Kyunki white ghee mein kya hai? Chemicals hai. Chemicals hai. Because of the commercial motivation. Money, money, money. Healthy digestive tract. Ghee converts fiber into butyric acid, which is a beneficial to intestinal bacteria. It also helps to increase the appetite, resulting in the better health and weight loss. ये weight loss के लिए भी बहुत ही, ऐसा नहीं समझना कि हम घी खाएंगे तो हम बड़े, no. On the contrary, उसका result अलग होता है, देसी घी का, yellow घी का, white घी का नहीं, white घी का उल्टा उसका benefit मिलता ही नहीं है, benefit ही नहीं है। So, when the ghee is derived from the grass-fed cow, the butter contains cancer-fighting fatty acid conjugated with the linoleic acid, CLA, very important for हमारा body के लिए, उसके लिए हमने बहुत उसके पर अंदर research किया है, which aids to the weight loss.
उसके लिए ये वेट लॉस होता है। तो ये हेल्दी रिड्यूस वेट बेनिफिट घी का है। आर्थराइटिस होता है, जॉइंट आर्थराइटिस नहीं होता है, जॉइंट मोबिलिटी अच्छी रहती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, इम्यूनिटी। प्रभुपाद भी कहते हैं कि यू नो ब्रेन सेल यू नो अच्छे रहेंगे इफ़ यू ड्रिंक मिल्क। इम्यूनिटी, डाइजेशन, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन बहुत ही ये महत्वपूर्ण घी, देसी काऊ का घी। नेजल ड्रॉप्स क्योर्स दैट माइग्रेन, साइनेटिस, एलर्जी, अस्थमा, एपिलेप्सी में, नर्वस डिसऑर्डर में भी ये घी बहुत ही फायदा कारक है, फायदामंद है। तो ये देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स। फ्रेश मिल्क फ्रॉम द इंडियन काउ हैज 100 इंटरनेशनल यूनिट्स IU ऑफ विटामिन ए, मैक्सिमम विटामिन ए इन इंडियन देशी काउ में। इससे कोई भी कोई आइटम दूसरी कोई नहीं है वर्ल्ड में कि 100 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ए के मिलेंगे। इंडियन काउस हैज ए क्वाइट यूनिक क्वालिटी दैट। हाँ, और दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंस है कि ये कोई भी हम बॉयल करते हैं, कुछ भी चीज हम गर्म करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बट ये काउ की, ये देसी काउ की जो मिल्क है वो थियरी के लूजिंग इट्स वैल्यू और प्रॉपर्टी फॉर हीटिंग, बट विटामिन ए यूनिट इंक्रीज इज 4-fold, 4 गुनी बढ़ जाती है, 400 IU यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की देसी काउ से बनती है। जैसे आप उसको, तो हमारे घर में आपको याद होगा कि हमारी माता है देसी काउ में, देसी काउ को उबालती है, जैसे यशोदा मैया ने काउ को उबाला है, ऐसे ही उबाल के ये पियेंगे ना तो उसमें 400 IU इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए मिलेगा। ये प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूव। अभी ये देखो, दिस इज द डिफरेंस। ये आयशायर, ये काव है, एक टाइप की काव है, वो इंग्लैंड के एक प्रोविंस में है। ये होल्स्टीन काव है, ऑल्सो इंग्लैंड में, ये जर्सी काव, ये वहां से सब आई है। और ये इंडियन काव, आप उसमें देखेंगे हमने ये ग्रीन उसका वो किया है, एरो किया है। देखो आप, हम देखेंगे, हाँ कुबड़ देखेंगे, और फ्लैप है, फ्लैप, फ्लैप को क्या बोलते हैं जो भी है, तो हाँ उसके गर्दन में क्या थोड़ा वो चमड़ी होती है, हाँ ऐसा हिलता है। ये देशी देशी काव में ही है, ये दूसरी काव में नहीं है, उसका वो नहीं है उसमें, हम भी नहीं है, कुबड़ भी नहीं है। तो ये डिफरेंस है। और पीछे का आप देखेंगे ना तो उसमें भी थोड़ा हम्प है, बाकी के सब स्ट्रेट है। देखो आप, तो ये क्या है, ये जो जर्सी काव है ना, वो उसको है ना, ये जेनेटिकली म्यूटेशन से बनाया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड उसको बोलते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड इससे किया है कि वो प्रोड्यूस मोर मिल्क। साइंटिफिक उसको मिक्स करके, एनीवे वो दूसरा सब्जेक्ट मैटर है। बट अभी भी हमारे भी इंडिया में ये हो रहा है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हो रहा है, बहुत ही चिंताजनक सब्जेक्ट मैटर है। तो ये जो जेनेटिकली म्यूटेशन से हो रहा है ना, तो उसका जो दूध है ना वो ठीक नहीं है जर्सी काउ का। सो आपको हमने बताया था कि एक लातूर डिस्ट्रिक्ट, आपको याद है लातूर डिस्ट्रिक्ट, हमने बताया था एक काउ लातूर डिस्ट्रिक्ट आ रही है। सॉरी, तो ये यूनिसेफ का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ ऊपर दिखते हैं आपने, UNICEF, उसने एक सर्वे किया तो चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि इन 1993 में क्या हुआ था मालूम है आपको, लातूर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, भूकंप आया था, उसमें 10,000 आदमी भूकंप में, 10,000 आदमी कितने, 4 बजे सुबह में 4 बजे भूकंप आया, हाँ सितंबर 30 तारीख को 1993 में। तो ये यूनिसेफ ने इसका रिसर्च किया, जो अमेरिका में है जो यूनिसेफ, हाँ क्योंकि उसमें बहुत सारे चिल्ड्रन मारे गए,
तो ये चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन के लिए ये यूनिसेफ बनाया। तो क्या हुआ, उन्होंने किया तो 52 विलेजेस सब बर्बाद हो गए पूरे भूकंप में। 30,000 लोग इंजर्ड घायल हो गए, 10,000 लोग मारे गए मर गए। तो ये क्या इतना ऐसा क्यों है, तो इसमें चिल्ड्रन बहुत सारे क्यों मर गए, और बहुत लोग वही डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोग बच भी गए। तो वो सोच रहे थे, तो उन्होंने रिसर्च किया कि ये कैसा हुआ। तो उसमें रिसर्च में उन्होंने फाइंड आउट किया कि देयर इज ए लार्ज वेरी बिग अर्थक्वेक। उन्होंने फाइंड आउट कि जो बच गए वो कौन थे, आपको जानना है। तो दोनों हाथ उठा के क्या करना चाहिए, साथ में एक साथ में, ओके गुड। तो क्या है रिसर्च में क्या आया कि जिसके पास ये देसी गौ थी, देसी गाय थी, जिसके जो इसे हाँ एक और मैं आपको बताना चाहता था, भूल गया मैं। देखो इसमें हमारे जो गाय है इंडियन काउ, उसमें दो सिंह है, हाँ उसमें सिंह नहीं है, कान है, कान है इसमें, हाँ तो ये डिफरेंस है। तो क्या हुआ कि जो जिसके पास ये देसी गाय थी, तो उन्होंने 4 बजे भूकंप आया तो उसके पहले ये गाय वो भौंकने लगी, गाय का म्यू करते ना, हाँ उसको बांधते हैं फार्मर्स लोग बांधते हैं, और जो भी जहां पर जहां विलेजेस में जो जिसके पास ये देसी काउ थी, तो उन्होंने स्टार्टेड 1 बजे से, रात को 1 बजे से वो करना शुरू कर दिया, क्या क्या बोलते हैं उसको, चिल्लाना, हाँ चिल्लाना शुरू, हाँ हाँ रंभाना शुरू कर, दैट्स द राइट वर्ड, वेरी गुड, रंभाना शुरू कर दिया। तो फार्मर्स को मालूम है कुछ प्रॉब्लम होगा, फार्मर्स भी सब इंटेलिजेंट है, उनको कि कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ये रंभा रही है गैया गाय। तो उन्होंने छोड़ दिया, तो गाय ने जिसके पास ये देसी गाय, क्योंकि जो एंटेना था ना वो ट्रांसमिट करता है, क्या ट्रांसमिट क्या करता है, जैसे हम ट्रांसमिट होता है ना हमारे टीवी में से जो क्या कहते हैं उसको, हाँ एंड हाँ सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है ना, ये हमारे देसी काउ में से वो ट्रांसमिट हुआ, तो 1 बजे से। और वो जैसे उन्होंने छोड़ा तो वो भागी, तो वो अपने सब ट्रैक्टर लेके फैमिली को गए उसके पीछे पीछे, कौन ये सब फार्मर्स, उसके बाल बच्चे, उनको मालूम है कुछ प्रॉब्लम है कि ये गाय ऐसे रंभाती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगा तभी होगा। तो वो लोग निकल गए सेफ डिस्टेंस, जहाँ पर सेफ डिस्टेंस था वहाँ पर रह गए, और बाद में वो गैया खड़ी रह गई वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि चलो, तो गाय उसको वापस खेती है, तो गाय नहीं जाती है कि नहीं हमें नहीं उधर जाना है। तो वो समझ गए कि इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। तो बाद में अर्थक्वेक आया, तो जिसके पास ये जर्सी काउ थी ना सब लोग मारे गए, और जिसके पास देसी काउ थी सब बच गए, सब बच्चे भी बच गए, फैमिली भी बच गया, काउ भी बच गई। तो ये देसी काउ की है, तो ये किसने रिसर्च किया, मेरा रिसर्च नहीं है, ये मेरा रिसर्च है, बट ये यूनिसेफ ने रिसर्च किया। तो एक स्वामी विवेकानंद केम टू यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ पार्लियामेंट में 1893 में स्वामी विवेकानंद एक वेस्टर्न वर्ल्ड रिलीजन के लिए वो बोलने गए थे। स्वामी विवेकानंद मालूम है ना, ग्रेट फिलोसोफर, राइट, फ्रॉम कहाँ से है, बंगाल से, वेरी गुड। तो उन जब ही वो गए थे ना, तो उनको उसने पूछा, एक बार काव है एक बार बफेलो है, तो उसको पूछा कि रिपोर्टर ने उसको पूछा, स्वामी जी कि कौन सा एनिमल का बेस्ट मिल्क है, आपके इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स है, उसमें कौन सा एनिमल का बेस्ट मिल्क है। तो उन्होंने कहा कि भैंस का मिल्क बहुत ही उत्तम है, भैंस का मिल्क अच्छा है। तो रिपोर्टर सोच में पड़ गया कि मैंने तो ऐसा सुना कि गाय का मिल्क बहुत अच्छा है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या जवाब दिया मालूम है, कि आपने पूछा कौन से जानवर का मिल्क अच्छा है, हम गाय को जानवर नहीं मानते हैं, गाय हमारी माता है, बोलो गौ माता की।
तो ये समझने वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये विवेकानंद भी बहुत अच्छे फिलोसोफर थे, वो समझते कि हमारी ये माता है। और शिल प्रभुपाद से इज अबाउट काउ, हाँ शिल प्रभुपाद क्या बोलते हैं काउस के बारे में इंग्लिश में है सर, बट अभी कैसे हम, हाँ तो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेशंसेस अनटू सुप्रीम पर्सन हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मणा एंड द काउस। खुद भगवान ने गौचारण किया, गाय उसको इतनी प्यारी थी कि मालूम है आपको कि कृष्ण और बलराम जी को देखने के बाद में ही वो दूध देती थी। सुबह में जब उठते थे कृष्ण बलराम को देख के ही बाद में ही वो दूध देती कि हाँ हमारे ठाकुर जी आ गए अभी हम दूध देंगे, उसके पहले नहीं देती थी। नाइन लैक जो काउ थी ना, 9 लाख। एनीवे प्रभुपाद जी ने 1968 में लॉस एंजिल्स में लेक्चर दिया कि ये काउ प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। क्या काउ प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इन ऑफरिंग ओबेशंस टू कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का ये, व्हेन कृष्णा कम्स टू एस्टैब्लिश द रियल परफेक्शन ऑफ द सोशल ऑर्डर ही पर्सनली गिव द प्रोटेक्शन टू द काउज एंड ब्राह्मणस। दिस इज द फर्स्ट इंटरेस्ट बिकॉज विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ द ब्राह्मणस एंड काउज देयर कैन बी नो ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखो प्रभुपाद जी भी, ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है हम ये काउ का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो। कारण क्या, कौन बताएगा? हमने बताया आपको कारण, आपको बताना है अभी। आप सुनते सुन रहे थे कि नहीं बताइए। हाँ वेरी गुड, फर्टिलाइजर हम काउ डंग नहीं डालेंगे तो बंजर हो जाएगी, हाँ पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। तो बंजर हो जाएगी तो क्या होगा? अनाज नहीं होगा। अनाज नहीं होगा तो क्या होगा? भुखमारी होगी। तो हम तो ह्यूमन सिविलाइजेशन रहेगी, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ काउस ब्राह्मणिकल कल्चर कैनॉट बी मेंटेन एंड विदाउट ब्राह्मणिकल कल्चर द एम ऑफ लाइफ कैनॉट बी फुलफिल्ड। श्रीमद भागवतम परपोट प्रभुपाद जी ने बताया, अर्निंग द काउ प्रोटेक्शन यू मस्ट डू इट, अर्निंग एंड काउ प्रोटेक्शन। द अदर डे आई वॉज एक्सप्लेनिंग दैट नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इवन द काउज डू नॉट सप्लाई मिल्क स्टिल दे शुड बी प्रोटेक्टेड। काउ दूध नहीं देती है तो भी उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि टीच सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग एम्फसाइजिंग काउ प्रोटेक्शन एंड डिपेंडेंस ऑन द गॉड एंड नेचर। ग्लोरीज ऑफ द काउज इन द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर में काउ के लिए क्या बताया है? ये मैंने कहा ना बिगिनिंग में कि हम खाली ये पॉजिटिव हम आपको दिखा रहे हैं, नेगेटिव दिखाएंगे तो आप कभी दूध नहीं पिएंगे, गारंटी। एनीवे बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप दूध पीना है इंपॉर्टेंट है, बट कौन सा दूध पीते हैं आप वो इम्पोर्टेंट है। हमारे असीम कृष्ण प्रभु हमारे एक बात बता रहे थे कि ब्रह्मचारी के लिए, प्रभु जी हाँ असीम कृष्ण प्रभु कहाँ से दूध आता है? हाँ हमारे फार्म से आता है, जो एकदम प्योर शुद्ध दूध है यही दूध पीना है, तभी तो हमारे ब्रह्मचारी सब लोग चमक रहे हैं। अच्छा दूध पी गए। सो इन कहते हैं 6:30 जब कृष्णा गोपाल कृष्णा एंटर्स नंद महाराज काउशेड टू मिल्क द ट्रांसेंडेंटल काउ। एज कृष्णा कॉल्स ईच काउ दे रिस्पॉन्ड बाय मूविंग एंड इमीडिएटली सराउंड्स कृष्णा। देन कृष्णा बेंड्स डाउन होल्डिंग ए गोल्डन पेल, गोल्डन गोल्ड में वो भगवान वो करते हैं काउ मिल्क बना निकालते हैं। बिटवीन द नीज एंड मिल्क काउस, ये कृष्णा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में से लिया है। ठीक है, वन शुड जेंटली स्क्रैच द बॉडी ऑफ द काउ, स्क्रैच करना है। हाँ दूसरा एक पॉइंट कि अभी साइंटिफिकली ऐसा प्रूव हुआ है कि हम देसी काउ को हम स्क्रैच करेंगे तो हमारे में जो ब्लड प्रेशर होता है ना सुबह में, दिस इज इन द मॉर्निंग,
ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एवरी डे गाय का दर्शन करने से और उसको स्क्रैच, उसको क्या करने के, उसको हाँ स्क्रैच करने से वो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। उसको सर्क्यूमुलेट करना, ग्रास खिलाना है, देन गोपाल, लॉर्ड गोपाल, एवरीबडी से गोपाल विल बी प्लीज्ड। गोपाल सीइंग द काफ, ये रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में लिखा है कि सीइंग ए काफ विथ इज माउथ पियर्स विद ए शार्प स्ट्रेट, तो ये काव ने कोई घास खा लिया तो शार्प, तो उसके उसके लोइन खून निकलने लगा, तो हमारी राधिका को बहुत अनहैप्पी हो गई एंड उसने टीयर्स, उसके आंख में आंसू आ गए। राधिका इमेज में ड्रेस द काफ वुंड विद अ रेड कुमकुम, तो जब भी खून निकलता है तो रेड कुमकुम डाल देते हैं ना तो खून बंद हो जाता है। तो ये राधिका रानी, राधिका हमारी राधा रानी, खाली काव को ये थोड़ा खून निकला तो इतनी दुखी हो गई, तो सोचिए कि मारने की तो बात ही सवाल ही नहीं पैदा होता हा? तो राधा रानी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, राधा रानी को किसकी मर्जी, राधा रानी को किसकी कौन की उसकी मर्जी किसको चाहिए, सब लोग को चाहिए, तो क्या करना है, राधे राधे तो बोलना है बट काव का भी प्रोटेक्शन करना है। राइट ओके, दिस सुरभि काव्स आर जस्ट लाइक ए चिंतामणि ज्वेल, दे फुलफिल ऑल डिजायर, दे आर हैप्पी काव्स एंड प्लेस प्लेजेंट समर। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ब्रज रीति चिंतामणि में लिखा है। वो कहते हैं कृष्णा के लिए ये काव जो रंभाती है ना, हाँ मूइंग करती है ना, तो वो अच्छी में अच्छी कविता है उनके लिए, कृष्ण के लिए। दे लिव देयर इयर्स टू हियर द साउंड ऑफ कृष्ण फ्लू, और वो कृष्ण की फ्लूट को सुनने के लिए अपने इयर्स दोनों कान उसको सुनने के लिए बेचैन आतुर रहते हैं। उसके पेट बुल, कृष्ण का पेट बुल है, उसका नाम है पद्मगंधा। सब बोलिए पद्मगंधा, पद्मगंधा। ये कृष्ण का क्या है, और उसको कृष्ण इतना अच्छी तरह से सजाते थे, गोल्ड रखते थे, हॉर्न कवर्ड विद गोल्ड एंड स्टडेड विद ज्वेल, हिज हूव्स आर स्प्लेंडिडली डेकोरेटेड वगैरह। काउस आर वृंदावन आर कॉल्ड द कामधेनु काउस, दे वर फुलफिल ऑल डिजायर लाइक चिंतामणि जेम, एज द समर सीजन इज ऑर्नामेंटेड विद ब्लूमिंग कुतजा फ्लावर। ये श्री कवि कानपुर इन आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है। तो ये हो गया, और आपको एक मालूम है दैट अमेरिका में कहते हैं कि जो मीट खाते हैं ना, फॉरेन कंट्री में जो मीट खाते हैं ना, वो मिल्क पचा नहीं सकते, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों मालूम है, क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मीट क्या है, क्या सिंबल क्या बताता है, वो हेट्रेड, हेट्रेड क्या उसको घृणा, घृणा का प्रतीक है, क्योंकि वो मार के बाद में खाना है ना। और ये काव का मिल्क है वो क्या प्रतीक है, किसका प्रतीक है, वो प्रेम का। तो घृणा और प्रेम एक दोनों साथ में रह सकते हैं, नहीं रख सकते ना, तो उसके लिए वो जो मीट खाते हैं वो दूध पचा नहीं पाते, वो एसिडिटी हो जाती है उसको। और वो भी वहां पर भी वो जो मैकडोनल्ड होता है ना, उसमें भी कहते हैं कि ये जो बर्गर मिलता है वो उसमें मीट का जो बर्गर मिलता है ना, उसके साथ दूध वो नहीं के गए वो आपको ठीक नहीं रहेगा, तो लोग नहीं बेचते हैं उसके साथ। एनीवे तो ये अभी हमें ऑडियो दिखाना है प्रभु जी। ये इंग्लिश में है बट आप देखेंगे तो कितना ही आएगा। And during the times when
तो ये बता रहे हैं कि भाई हमारे अहिंसा का जो अहिंसा का अहिंसा का कंट्री है तो उसमें स्लॉटर हाउस कहाँ से आ गया। तो ये जो ब्रिटिश लोग ने हमारी सिस्टम पूरी बिगाड़ दी उसकी बात कर रही है ये। So, उसका क्या मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे कैटल को मार दिया तो कैटल सब मर गए तो जो उसका जो डंक जो गोबर निकलता है तो अवेलेबल नहीं था क्योंकि बहुत उसने मार दिया कितने 30,000 पर डे तो गोबर बंद हो गया तो ये कहाँ से आएगा ग्रेन कहाँ से आएगा। तो ये उन्होंने यूरिया करके केमिकल बनाया किसने बनाया ब्रिटिश लोग ने और ये हमारी पूरी सिस्टम को खत्म कर दिया जो हमारी जो ओरिजिनल सिस्टम थी काउ डंग को यूज करके गोबर को यूज करके जो था फर्टिलाइजर तो वो उन्होंने यूरिया बना के हमारा और ये यूरिया को क्यों बनाया आर्टिफिशियल मैन्योर क्यों बनाया कि उसके वो लोग पैसे हमारे इंडिया को चूस सके पैसे करके इंग्लैंड में लेके जाए वापस। सो दैट्स वेरी सैड थिंग। सी इंग्लैंड को इंडिया को सोल्ड किया उन्होंने और ये उसमें पैसा बनाया काव काव के काव काव में से काट के भी पैसा बनाया और बाद में काव डंग नहीं मिला तो इन्हें यूरिया बना के उसमें से भी पैसा बनाया। देखो कितने लोग अच्छा ये है एक वीडियो है। दूसरा एक वीडियो है कि वाई काउज ऑफ हिंदूज आर होली हमारे लिए काउ क्यों होली है उसका एक वीडियो मैंने बनाया है देखना है किसको देखना है तो बोलिए दोनों हाथ उठा के ओके। ये तो घी येलो है देखा आपने the world's environment and property by its name, which is why it's so
यू नो क्या हुआ है आपको मालूम है कि ये बुल जो कहते हैं ना जिसको वो खेती में काम लगता है हाँ बैल खेती में काम लगता है तो क्या हो गया कि ब्रिटिश लोग ने ट्रैक्टर का इंट्रोडक्शन किया मशीन तो मशीन जैसे मशीन आया तो वो बैल का कुछ जरूरत नहीं है तो बैल किस कहाँ भेज दिया सब स्लॉटर हाउस में मार मार के जैसे ट्रैक्टर आया स्लॉटर हाउस बढ़ गया सो दैट्स वेरी सैड वाडा में यहाँ से बहुत दूर नहीं है वाडा तो वाडा में हमारे राधानाथ महाराज है ना उन्होंने एक फार्म कम्युनिटी बनाई है उसमें से काउ प्रोटेक्शन हाँ उसमें काउ प्रोटेक्शन के लिए और उनका जो डंग है वो ही उपयोग करते हैं दे यूज एवरीथिंग फ्रॉम वॉट एवर दे रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज तो ये एक स्टेप हमारा जमीन को सोयल को बचाने के लिए उन्होंने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है बोलो गौ माता की जय और एक और वीडियो है देखना चाहेंगे हरि बोल सी हियर ये हम दिखाना नहीं चाहते हैं फिर भी देख लेते चलो बहुत सैड है ये तो खाली सैंपल है जो देखो ये क्या करते हैं मार दिया उसको ऐसे एक 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 मार देते शूट करते हैं यहाँ पर देखो एनीवे हम ये दिखा रहे हैं नहीं चाहते हैं
तो ये तो बहुत सिंपल, दूसरी इससे भी बहुत बैड ट्रीटमेंट मिलती है एनिमल्स को. एनीवे, तो एक हमारे मित्र थे डॉक्टर, तो उनको अमेरिका में, तो उनको क्या है कि उनको जो क्या करते हैं उसको जो इंटर्नशिप करते हैं ना, तो उनको ये स्लॉटर हाउस में जाना पड़ता है. तो उसने कैसा वर्णन किया मालूम है आपको, कि स्लॉटर हाउस में मैं गया तो जब मैं बाहर निकला तो रो मेरे आंख में आंसू थे, क्योंकि उस स्लॉटर हाउस में है ना वो ऐसा उसे रखते हैं, तो एक एक काव काव को रखते हैं और वो स्लॉटर हाउस में जाके, तो काव है ना जब भी जाती है ना तो उसको मालूम है, वो भी बहुत रंभाती है वहां पर, उसको मालूम है कि मेरा 5 मिनट में मेरा मृत्यु होने वाला है. ये मुझे ऐसा शॉर्ट करके, ये दोनों दोनों बीच में एक शॉर्ट करते, 1 मिनट में काव मर जाते, ऐसे मारते ये लोग. तो ये कहती है कि मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, यू नो यू कैन, कि मैं देख रहा हूँ उनके मुंह में रोती है वो, और वैसा कहती है कि बस वो जो भी वो कन्वेयर उसमें कांच होता है तो ये सब घूमती है, तो कांच में से वो देखते हैं, तो देखते हैं काव को, देखते हैं गैया को, देखते हैं, तो कि हमें बचाओ यहाँ से, मैं अभी मरने वाली हूँ, ऐसा करके वो, तो जब वो बाहर आया तो रोने लगा. एनीवे, तो ये बहुत दुख की बात है, तो हमें हमारी काव को. ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कोई प्रश्न है, कोई कॉमेंट है मेरी कृति, 2 मिनट में. हाँ, ये सारी नहीं, वहाँ पर देसी गाय नहीं है. हमने अभी नॉर्थ कैरोलिना में 2 देसी काऊ को बचाया है, और वहाँ पर हमने प्रोटेक्शन के लिए उसमें रखा है. अमेरिका में देशी काव भी है, तो हम ऐसा जहाँ 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 पर भी होगी देशी काव, हम उसको रिट्रीव करके वो फार्म में डालेंगे. उसकी बहुत, बट मोस्टली जर्सी काव, वो भी काव है, वो भी काव है, उसका प्रोडक्शन अलग है, बट वो भी हमारी माता है. आफ्टर ऑल एनिमल, कोई भी एनिमल से हम हिंसा में मानते ही नहीं है. हाँ, यस, हाँ, काव का प्रोडक्शन है, क्योंकि वो जो देसी काव है ना उसके ऊपर एक हम्प है, हम उसको एक कुबड़ है उसके ऊपर, तो ये कुबड़ है उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी है, वेन वेन बोलते हैं ना हमारे, बहुत 33 करोड़ नाड़ी है हमारे, तो उसमें एक एक नाड़ी काव में सूर्य केतु नाड़ी है, तो जब सन सन का रेज होता है ना अर्थ, तो उसके ऊपर गिरता है तो उसमें से प्रोड्यूस ऑटोमेटिक प्रोड्यूस होता है, उसमें उसको कुछ करना नहीं है, दिस इज ऑल नेचुरल नेचुरली. तो उसमें से वो मिल्क 24 कैरेट गोल्ड पैदा होता है सूर्य केतु नाड़ी से, और वो उसके जरिए, वो नाड़ी के जरिए मिल्क में जाता है और यूरिन में जाता है. तो देसी काव का आप यूरिन देखेंगे ना तो वो भी पीला होगा, पीला होगा और मिल्क भी पीला है. तो उसमें से जो ये देसी काव में मिल्क में से ग्रास फेड होना चाहिए, हॉर्मोन्स वाला नहीं, जो केमिकल्स देते हैं ना. आज अभी अभी हम थोड़ा रिसर्च कर रहे थे इंडिया की काव में, तो अभी नया नया जब लोग हैं ना, तो प्रोडक्शन के लिए उसको भी हॉर्मोन्स दे देते हैं, तो ग्रास फेड होना चाहिए, घास खाके, तो उससे वो पहले उसके लिए जो घी बनता है काव मिल्क में से, तो वो येलो होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी उसमें है वो बेनिफिशियल है, और हमारे हेल्थ के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे कॉन्शियस के लिए, सब कुछ उसमें बहुत ही फायदा ही फायदा है. वो घी खाने से ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर बढ़ जाएगा, वो घी खाने, दूसरा घी खाएंगे तो शरीर शरीर में कुछ वो हो सकता है. हाँ, ओ, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, हमारे इस्कॉन वाले से पूछिए. हाँ, इधर मिल जाए, कहाँ, काउ प्रोडक्ट स्टॉल है यहाँ पर. हाँ, स्टॉल है यहाँ पर, उसमें प्योर घी मिलेगा आपको, आपको थोड़ा रिसर्च करके करना है.
हाँ हाँ मिलता है। हाँ हाँ वही जो मिल्क देसी काउ का मिल्क जो होता है ना उसमें से ऑटोमेटिकली ये लोग हमने दिखाया ना आपको पिक्चर में। हाँ गरम करने के बाद में आपको उसका मलाई देखेगा ना, वैसे तो मिल्क व्हाइट ही होता है बट यू नो कहने का मतलब जब गर्म करेंगे ना तो येलो उसकी बात वो मलाई होती है ना येलो हो जाएगी। हरी बोल एक मिनट, येलो येलो होती है वो मिल्क प्योर। आपको मालूम है दूसरा एक बात बताओ ये ब्राजील की जो मैंने बात की ना ब्राजील में, तो ये ब्राजील की जो काव है ना तो क्या करते हैं ब्राजील वाले हमारे देसी काव में, देखो सुनने जैसी बात है कैसे लोग पैसा बनाते हैं हमारा ही प्रोडक्ट और हमारे से लूट के हमें पैसा हमें उल्लू बनाते हैं। तो ये जो ब्राजील वाले काव है ना वो उसका क्या बनाते हैं काव मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर हमारे देसी का बहुत प्योर है और सात्विक है तो उसे मिल्क पाउडर बना के वो ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं एक्सपोर्ट करते हैं पैसा बनाते हैं हमारे देसी काव से। और वो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करते हैं कि वो मिल्क का जो फैट होता है ना फैट वो निकाल के दूसरे बेचते हैं और जो भी बचा खुचा है हाँ जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है वो इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं और हम वो दूध हम उसमें जाके आहा क्या काव का दूध मैंने पिया। दिस इज अ फैक्ट। हाँ हमारा काम है बहुत ही आपने अच्छा बताया वही हमारा काम है अवेयरनेस जागृत करना। ये सब लोग को ये कहने का मतलब ये बताने का मतलब क्या है ये अवेयरनेस आप में डालना है कि आप सुनिए सोचिए विचार कीजिए कि ये काव की हत्या क्या हो रही है हमारा सिविलाइजेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं हम तो कुछ नहीं कहते प्रभुपाद जी ये ह्यूमन सिविल इसकोन में बात करियो ये प्रभु जी से बात करो नीचे बात करो कि हमें काव को सपोर्ट करना है कैसे करें हमारे पास कितनी वो अभी तो राशि कृष्णा प्रभु चले गए बट बहुत सारी काव है। हाँ नहीं प्रभु जी ये वहां पर ही गए थे अभी प्रभु जी बताइए। हाँ हाँ अच्छा सुनिए माता जी ये प्रभु जी बताइए जो भी ये काव का जो स्टॉल है वो सब वहां से हमारी इस्कॉन की काव का सब प्रोडक्ट यहाँ पर बेचते हैं। हाँ तलासाई उमरगांव और तलासाई दोनों में है ना और आप ये एडॉप्ट कीजिए काव को बचाइए हमारी सभ्यता को बचाइए हमारी संस्कृति को बचाइए आप उसके लिए सहभागी होइए उसका आप सहयोग दीजिए। हम तो अमेरिका में तो करते हैं अभी हम इंडिया में हमारा अभी कॉन्सेंट्रेशन अभी इंडिया में भी हो रहा है कि कैसे हम काव को बचाए। ओके हरे कृष्ण। हाँ एग्जैक्टली एपिलेप्सी एपिलेप्सी में आपको एकदम मेंटल नर्वसनेस। ओ यू आर डॉक्टर ओके हरे कृष्ण। अच्छा ओके ओके ओ देखो देखो ये प्रूफ है हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं बोलिए सब गौ माता की। तो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये नो ये देसी काव से उनके सब सारे पेशेंट क्योर हो गए। हिंदी में बोलिए तो सब लोग समझ। सब क्यों एपिलेप्टिक एपिलेप्टिक सीजन नहीं आते कंप्लीट बंद हो गए। आप थोड़ा बात कर लिया मैं एक पेशेंट है हमारा अमेरिका में वो उसके लिए शादी हो तो आपने क्योर करके शादी किया तो आपने कितना कितना पवित्र है।
तो ये आप अवेयरनेस करिए और हमारा यहाँ पर सहभाग बताइए बताइए हाथ बताइए हमारा कि हम जो कर रहे हैं इसकोन कर रहा है उसमें आप सहयोग दीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.